शीत सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री का बंगला किस मंत्री को आवंटित होगा ये कहना मुश्किल हो रहा है। देवगिरी बंगले को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। आइए एक नजर डालते हैं देवगिरी बंगले को लेकर। मुख्यमंत्री के रामगिरी बंगले के बाद देवगिरी बंगले का महत्व है। ऐसा माना जाता है कि देवगिरी में जो मंत्री रहता है वह सीधे तौर पर सरकार में नंबर दो की पोजीशन रखता है। फिलहाल सरकार में उप मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ, इस ओर महाराष्ट्र का ध्यान लगा है। आपको बता दें कि देवगिरी बंगला लंबे वक्त से दादा के पास ही रहा है। पिछली सरकार में भी देवगिरी राष्ट्रवादी के नेता और दादा के नाम से पहचाने जाने वाले अजीत पवार के पास था। सरकारें बदल गई, लोग बदल गए, मंत्री बदल गए। शीत सत्र में काम काज का स्टाइल भले ही बदला बदला सा लग रहा हो, लेकिन नहीं बदला तो वो देवगिरी बंगला है। देवगिरी बंगला अपने मालिक की यानी राज्य के उप मुख्यमंत्री साहब की राह देख रहा है। नागपुर का ये वही देवगिरी बंगला है जहाँ पे उप मुख्यमंत्री रहते हैं, मगर आए दिन उप मुख्यमंत्री अभी भी निश्चित तौर पे कौन होगा ये बता नहीं सकते, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जो बनने वाले थे उनका नाम अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। इसलिए ये बंगले में अभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की किसी का बोर्ड नहीं लगा हुआ है, जिसके चलते ये जो बंगला है ये उस उप मुख्यमंत्री के नाम की राह देख रहा है कि जल्द से जल्द उप मुख्यमंत्री का नाम डिक्लेयर हो और उनके नाम की जो पट्टियाँ होती है वो यहीं पर लगाई जाती है। नाम नहीं होने से अब ये जो बंगला है यह अधर में लटका हुआ है। अधिवेशन के दौरान इसी देवगिरी बंगले पे राज्य के उप मुख्यमंत्री का काफिला रहता है, लोग रहते हैं, लोगों का आना जाना रहता है, लोगों की बातचीत रहती है, वो सब बातचीत होती है उप मुख्यमंत्री से। लेकिन अफसोस के इतने दिन हो गए, चुनाव हो गए, राज्य के मुख्यमंत्री का नाम घोषित हुआ लेकिन उप मुख्यमंत्री जी का नाम अभी भी घोषित नहीं हुआ है, जिसके चलते अब ये बंगले में रौनक रहेगी या नहीं ये एक देखने वाली बात होगी। इस और शहर के तमाम लोगों की निगाहें लगी हुई है। नागपुर के देवगिरी बंगले से कैमरा सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।